निर्भया केस में दोषी मुकेश कुमार की दया याचिका पर बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने किया खारिज। अजीत, गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी याचिका, अभी तीन और दोषियों के पास दया याचिका का विकल्प। गुनेगारों की फांसी में देरी से रो पड़ी निर्भया की मां, सरकार से लगाई गुहार। निर्भया के सभी चार गुनेगारों को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में शिफ्ट किया गया, वहीं यह फांसी कोठी। गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र को लेकर राहुल ने फिर सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा एनआईए जांच देवेंद्र पर चुप्पी का सबसे बड़ा तरीका। राहुल ने एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी को भी घेरा, कहा गुजरात दंगे और पांड्या हत्या केस का क्या हुआ सब जानते हैं। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, आतंकी देवेंद्र की चुप्पी कौन चाहता है और क्यों? प्रियंका गांधी ने पूछा, देवेंद्र सिंह किसके ऑर्डर पर कर रहा था काम, पूरी जांच हो। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल, बीजेपी सरकार का सूचना तंत्र विफल या देवेंद्र सिंह के पीछे मजबूत सहारा था? लंबे डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा 31 जनवरी से सीआईएसएफ के हवाले। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के पास था सुरक्षा का जिम्मा, देवेंद्र सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही एंटी हाईजैक विंग में था तैनात। देवेंद्र सिंह पर नया खुलासा, जून 2019 में 3 आतंकियों के साथ इसने पठानकोट का किया था दौरा, सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल में जुटी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रडार पर था डीएसपी देवेंद्र सिंह, साउथ कश्मीर में बनाया था अंडरग्राउंड अड्डा। जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता था आतंकी नावीद मुश्ताक, 2017 में 4 हथियारों के साथ हुआ था फरार। गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। जैश के आतंकियों के पास से भारी मात्रा में आईडी और सुसाइड बेल्ट, दिल्ली को दहलाने की साजिश के साथ घाटी में दाखिल हुए थे। 50 से ज्यादा सीरियल ब्लास्ट का आरोपी जनी संसाली मुंबई से लापता, पिछले महीने अजमेर जेल से पैरोल पर आया था बाहर। महाराष्ट्र एटीएस मुंबई क्राइम ब्रांच और दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर, जलीस अंसारी की बड़े पैमाने पर तलाश। इस्लामाबाद में खेल के मैदान में सड़क निर्माण के विरोध में उतरे छात्र, रेलवे पुलिस ने बाजी लाठी। जेल से बाहर आने के बाद भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा, सीए के खिलाफ जारी रहेगा अभियान, ये सरकार मुझे नहीं रोक सकती। लगाने के लिए तो हम करेंगे, लेकिन जो ये काले कानून पारित करके हमारे पर थोपे जा रहे हैं, ये लोकतंत्र में नहीं होते। समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। रिहा के बाद आज रविदास मंदिर गए चंद्रशेखर, लोगों ने किया स्वागत। गुरुद्वारा और चर्च जाने का भी है कार्यक्रम, चंद्रशेखर ने कहा लोगों को जागरूक करने के लिए करते रहेंगे रैली। चंद्रशेखर का आज फिर जामा मस्जिद दौरा, क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी भी दिल्ली छोड़ने तक रहेंगे उसके साथ। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी, हजारों की संख्या में जमे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस ने कल प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील की, नहीं पड़ा कोई असर। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को दिखाए काले झंडे, काली स्याही भी फेंकी, सीए एनआरसी का किया विरोध। दरभंगा में मुस्लिम इलाके में सर्वे कर रहे यूपी के लड़के को भीड़ ने पकड़ा, पुलिस ने बचाई जान। चंदौली में नागरिकता कानून के समर्थन में बनाई मानव श्रृंखला, सरकार के फैसले का किया समर्थन। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर गृह मंत्रालय की आज दिल्ली में अहम बैठक, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नहीं होंगे शामिल। नागरिकता कानून को लेकर मालदीव ने की भारत की तारीफ, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बोले किसी दूसरे देश को दखल देने की जरूरत नहीं। सीए के खिलाफ प्रयागराज में 5वें दिन भी जारी प्रदर्शन, धरने पर मुस्लिम महिलाएं चमकर नारेबाजी। गया में संविधान बचाओ मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शनकारी बोले मोदी सरकार ने कहर के रूप में लाया नागरिकता कानून। किशनगंज में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरने में पहुंचे जिग्नेश मेवानी, बोले जो इस लड़ाई में शामिल नहीं वो गद्दार माना जाएगा। असम सरकार नागरिकता कानून के तहत 3 महीने का देगी वक्त, सूत्रों के मुताबिक तय सीमा में आवेदन देने वालों को ही मिलेगी नागरिकता। सीए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार, आज कैप्टन सरकार के खिलाफ एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। सीए और एनआरसी को लेकर आरजेडी में फूट, पार्टी विधायक फराज फातमी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, तेजस्वी को कहा इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए। केरल के राज्यपाल पर, आरिफ मोहम्मद खान पर कांग्रेस सांसद,
ये सुरेश का निशाना, कहा नागरिकता कानून को लेकर वो बीजेपी नेता जैसा बयान दे रहे हैं। भोपाल में सीए के तहत नागरिकता हासिल करने वाले 180 लोगों का सम्मान, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोली घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। बच्चों में जहर भरने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान पर ओवैसी का पलटवार, नागरिकता कानून से जोड़ा। के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, मारने वालों को कौन डीरेडिकलाइज करेगा जनरल साहब। सीए समर्थक मुस्लिम वकील ने लगाया सामाजिक बहिष्कार का आरोप, मस्जिद के इमाम के खिलाफ की शिकायत। अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद संघ का ऐलान, मोहन भागवत का एजेंडे में काशी मथुरा से इनकार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासियों को दिए जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार देने के लिए प्रोजेक्ट प्रगति के तहत। केरल सरकार ने एनपीआर प्रक्रिया को रोका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी डीएम को लिखी चिट्ठी। अरविंद केजरीवाल पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साधा निशाना, कहा दिल्ली की तीनों एमसीडी के पैसे रोके इसलिए हालत खराब। मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर उठाया सवाल, पूछा मस्जिद के मौलवी को हजारों तो मंदिर के पुजारी को पैसा क्यों नहीं देती दिल्ली सरकार। दिल्ली की चांदनी चौक सीट, अलका लांबा को टिकट दे सकती है कांग्रेस, आज पार्टी जारी करेगी पहली लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी 5 सीटों पर अड़ी, सहयोगी कांग्रेस 4 सीटें देने को राजी। दिल्ली के शिवनगर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ी को मारी टक्कर, बाल बाल बचे कई लोग। आरएसएस और पीएमओ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के लिए लखनऊ पुलिस की कार्रवाई, मोतीनगर और हजरतगंज थाने में केस दर्ज। चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत की हत्या, बाइक सवार हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई टीम। मुजफ्फरपुर में एमएलसी स्टीकर वाली गाड़ी ने महिला को रौंदा, जांच में जुटी पुलिस। रिटनौडा की सोसाइटी में 2 इंजीनियर के साथ गार्ड ने की मारपीट, पुलिस से शिकायत। बिहार के मुंगेर में सन्न करने वाला वारदात, एक सन के शख्स ने अपनी मां पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर जान देने की कोशिश की। दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, अहमदाबाद से मुंबई तक का होगा सफर। कर्नाटक के मैसूर में हाथी ने वन अधिकारी को दौड़ाया, गाड़ी बैग पर बचाई जान। पोंगल पर तमिलनाडु के कई शहरों में जलकट्टू का आयोजन, 641 स्थानों ने लिया हिस्सा, 397 पर कोई नहीं पा सका काबू। पटना में गंगा नदी घाट की बदली तस्वीर, नमामि गंगे योजना के तहत तैयार की गई सीढ़ियां और वॉकर्स। मथुरा में यूपी पावर कॉरपोरेशन के जूनियर इंजीनियर की हत्या, ड्यूटी से लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। लखीमपुर खीरी में लूट के बाद भाग रहे शातिर को लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। खिलाड़ियों में शराब की पार्टी करते वक्त एक नेता समेत 3 गिरफ्तार, बाद में पुलिस ने जमानत पर छोड़ा। अजमेर में शादी समारोह में 27 लाख के गहनों से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। आजमगढ़ में पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया, अवैध फैक्ट्री का भी खुलासा, 3 गिरफ्तार। पटना में स्वर्ण व्यापारी के अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझी, 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन की चपेट में बैलगाड़ी, 5 रेल यात्री की मौत, 2 जख्मी। बुलंदशहर में एक महिला से हजारों रुपए और आईफोन की लूट, सीसीटीवी तस्वीरों की बदौलत आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में गाड़ियों से टोल वसूली पर फूटा लोगों का गुस्सा, टोल प्लाजा में की तोड़फोड़। पन्ना में केन नदी के किनारे निजी जमीन पर खुदाई करने पर 27 करोड़ का जुर्माना, रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। आईएएफ ने 9 विदेशी और 50 ट्रैक्टर्स समेत 107 लोगों की बचाई जान, लद्दाख की जमी हुई नदी, जांसकर में फंसे थे लोग। गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में सेना के जवानों की ट्रेनिंग, एलओसी की रखवाली के सिखाए गए गुर। एवलांच के बाद हालात से निपटने के लिए भी जवानों ने ली ट्रेनिंग, स्कीइंग भी करते दिखे जवान। श्रीनगर में भी हिमपात शुरू, तापमान गिरने से जनजीवन हुआ ठप। नौटी में बर्फबारी के बाद घरों की छतों पर और सड़कों पर जमी मोटी परत, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे लगातार 5वें दिन बंद, ट्रैफिक पर लगा ब्रेक। मंडी में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। हाथरस में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, रबी की फसल बर्बाद। रोहतक में बेमौसम बारिश और गिरे ओले, फसल तबाह होने से किसान मायूस। दिल्ली समेत एनसीआर में बूंदाबांदी, अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी बरसात, 9 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान।
जैसलमेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर मुस्तैद जवान गणतंत्र दिवस से पहले विशेष एक्सरसाइज। भोपाल पुलिस का हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ अनूठा जागरूकता अभियान, 100 शब्दों में निबंध लिखकर पूछा कानून तोड़ने की वजह। नए साल में इसरो को पहली बड़ी कामयाबी, फ्रांस के गुयाना से भारत का संचार उपग्रह G730 सफलतापूर्वक लॉन्च। चुनावी मौसम में दिल्ली के उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान बच्चों के साथ डांस करते आए नजर। श्रीडी पहुंचे मॉरिशस के मंत्री आलन गनू, साईं के किए दर्शन, अपने देश में बनवाएंगे साईं बाबा का बड़ा मंदिर। इकोनॉमी को एक और जोर का झटका, लगातार 5वें महीने गिरा एक्सपोर्ट। एशिया के टॉप 6 अधिकारियों को ईडी का नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। 3 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे बैंक, सैलरी में 20% इजाफे की मांग। भारत में 5G सर्विस लॉन्चिंग की कोशिशें तेज, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडा आइडिया ने दिए आवेदन।